क्या करते हैं? हस्त मिथुन करते हैं आप? करते हैं आप? सामने देखिए एक दूसरे को अप खींच के किसके पूरा भारत माता की जय। फौजी बनोगे? यस सर। अब खड़े जाओ। कहां के रहने वाले हैं आप? बिहार। काय तैयारी कर रहे हैं आप? आर्मी। इंडियन आर्मी? जनरल ड्यूटी? या क्या करते पिताजी? क्या नॉर्मल या 70 सेंटीमीटर चेस्ट है आपका? क्या करते हैं? हस्त मिथुन करते हैं आप? करते हैं आप? नहीं। भाई साहब अब सीरियस बोल रहा हूँ, एक बात बोलना चाहूंगा कि दुनिया को हिलाना है तो हिलाना छोड़ देना। देख रहे हैं आप इंडियन आर्मी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि जनरल ड्यूटी के लिए 77 सेंटीमीटर चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। मैंने आपको स्पेशल यहां पर बिठाया कि आपके मन से बैठे आप मन से बैठे ना, ऐसा तो नहीं वीडियो के चक्कर में आपको यहां पर बिठाया। तो भाई साहब इतने कमजोर क्यों, इतने दुबले क्यों आप? हस्त मिथुन करते हैं आप? हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन डाइट ले रहे हैं और उसके बाद में आप उल्टा काम कर रहे हैं। अब आप डाइट ले रहे हैं और वापस फिर हस्त मिथुन करेंगे तो क्या शरीर बनेगा क्या? बताइए आप, 69 सेंटीमीटर चेस्ट है आपका, 69। और कोई समस्या है? टेंशन वेंशन और कुछ? नाइटफॉल वगैरह होती है कुछ? कभी कभी होती है। कब होती है? रात में। क्यों होती है? ए कीप साइलेंस ऑन गाइस। अब क्यों होती है नाइटफॉल भाई? ये तो भाई रात में होती है कि दिन में होती है? रात में होती है। तो सोते समय होती? कब होती है? सोते समय। क्या होता है, क्या विचार आता है? विचार कुछ नहीं आता सर। अरे भाई तुम हंस रहे हो यार, इतना मार मारूंगा तबीयत कुछ कर दूंगा, एकदम सीरियस। ओके बैठो बैठो बैठ जाओ, मेरी बात को विशेष ध्यान देना मेरे लालोन। कभी आप हस्त मिथुन कर रहे हैं तो ये करना बिल्कुल बंद कर दो, और कभी आपके सपने दोष होते हैं, नाइट फॉल हो रही है तो मुख्य कारण होता है आपकी सोच, कि आप किसके प्रति क्या सोच रहे हैं। बात समझ आ रही? यस सर। डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं किसके प्रति, और जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करो, संगति बदलो, फालतू के वीडियो देखना बंद कर दो। कभी आपको फौज में जाना है, फौज में एक हष्ट पुष्ट और स्ट्रॉन्ग बंदे की जरूरत पड़ती है, पता आपको? यस सर। और खड़ा जाओ, कभी आप 1600 मीटर एक्सीलेंट मार देंगे और इस तरह आपकी बॉडी है तो आप क्या होंगे, चेस्ट मेजरमेंट से बाहर हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? यस सर। डाइट पे ध्यान दो बाबू। जी सर। डाइट में ज्यादा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लो। जी सर। कांटे वाले चने लो। जी सर। और इसके बाद में स्टार्च लो, ज्यादा ज्यादा राइस खाओ, आलू खाइए और खाना खाइए, लपक के पेल के खाइए। टेंशन लेना छोड़ दो, गलत काम करना छोड़ दो, बॉडी आपकी बन जाएगी, ठीक है ना? बैठ जाओ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार। बिहार। ओके बैठ जाओ।